व्यू देख रहे हैं सामने का है ना, एक नंबर व्यू दिखाने के चक्कर में ना भैया ये एल वाले ना हमें एल बना देंगे। सामने का व्यू देखो भाई, एक नंबर पूरा पैसा वसूल। ये है ब्यूटी सुंदर नगर की। अरे भैया ये क्या दिख गया मनाली में, तो गुब्बारा उठा दिया रे, इतना बड़ा गुब्बारा रे भैया। भाई जो लोग उसमें अंदर है ना, देखो भाई चांद से रस्सियां खुल जाए तो तबाही हो जाए, तो भाई पता नहीं कहां तक जाएंगे। ये गैस वाला गुब्बारा है। सफर की शुरुआत चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, उसका अंजाम भी उतना ही शानदार होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मालूम था मुश्किलें तो आनी ही है, बट फिर भी मन में जो चाह थी ना उस सफ़र को करने की, वो नेक्स्ट लेवल की थी। तो यही सोच के ना सफ़र की शुरुआत कर दी। बस यही एक सोच आपको खींचती है, आपको बुलाती है। तो लेट्स बिगिन द जर्नी, लेट्स स्टार्ट द राइड, इट्स ड्रीम राइड लद्दाख संस्कार वैली। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, की हाल चाल ने आप सब दे। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और एक नए सफर की शुरुआत हो रही है। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द न्यू राइड, ड्रीम राइड लद्दाख। संस्कार वैली, टाइम टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। So let's start the video with a very very beautiful morning. Good morning to all of you. और अभी शुरुआत हो रही है हमारे नए सफ़र की। सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी बाहर ना बिल्कुल अंधेरा है। मेरे पीछे वाली विंडो से आप देख रहे हैं बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अंधेरा है। सुबह के बज रहे हैं 5 और फटाफट से रेडी हो लेता हूँ और शुरू करते हैं अपनी ड्रीम राइड लद्दाख की। और आप सबको भी दिखाते हैं लद्दाख संस्कार वैली के कुछ खूबसूरत से व्यूज। तो चलो फिर, ये देखो ये बन रहा है अपना हलवा। ओए 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 भाव भागी कैमरे के आगे, ये देख रहे हैं ये बन रहा है अपना हलवा गर्मा गर्म, ये खाएंगे। बिल्कुल रेडी हूँ, पीछे आप देख रहे हैं सामान, इधर भी अपनी राइडिंग जैकेट, बस अब डालूंगा और निकल चलेंगे। और पहले ना ब्रेकफास्ट कर ली जाए, क्योंकि अपने कोलीग जो है ना रवि भाई, वो अभी आ रहे हैं, उनकी कॉल आई थी अभी, तो आ रहे हैं। जब तक वो आएंगे घर से यहाँ पहुँचेंगे तब तक अपना ब्रेकफास्ट हो ही जाएगा। फाइनली गाइस वेट हो रहा है रवि भाई का, और रवि भाई अभी तक आए नहीं है। ओ भाई साहब, फाइनली रवि भाई आ चुके हैं और अपनी ये लद्दाख राइड ना शुरू होने वाली है। हेलो भैया जी, पहुंच गए आप? पहुंच गए और चलो राइड शुरू करते हैं। चलो चलो, जय शंकर की, जय शंकर की। गाइस रवि भाई ले आए हैं वॉकी टॉकी, और ये रवि भाई की धनो लद्दाख राइड। वाह वाह वाह, ये देख लो दोनों बाइक्स, देख रहे हैं आप, सही है ना। जय भोलेनाथ। तो फाइनली गाइस नई राइड की शुरुआत हो गई है अपनी, और वो भी लद्दाख राइड, लद्दाख संस्कार राइड। मज़ा आने वाला है फुल इस राइड में, और फुल तबाही और फुल एडवेंचर करने वाले हैं हम। निकलते निकलते लेट हो ही जाते हैं, कभी वो सामान भूल गए, कभी वो सामान भूल गए, बट फाइनली काफ़ी टाइम के बाद राइड शुरू हो गई है अपनी। तो चलो फिर बढ़ते हैं सोलन से मनाली की ओर। Thank you.
भाई साहब इधर शुक्र मैं स्पीड में नहीं था, स्पीड में होता था तो सेंटर नहीं नहीं मैंने कट मार दिया ना एकदम, उसने एकदम ब्रेक बिल्कुल यहाँ मारी ब्रेक भी एकदम से आगे स्टार्ट करने चक्कर गियर लीवर 180 हड़ा वो देख रहा हूँ सीधा करना पड़ना है नहीं तो पहले गियर में जाने पड़नी हाली मेरा जूता नहीं घुसना इसके अंदर नहीं तो अभी सीधा कर देता हूँ खड़ी करो भाई यार A few moments later. बाल बाल बच गए मतलब एक्सीडेंट होते होते ना बाल बाल बचा मैं और यहाँ से ना बिल्कुल बाइक यहाँ बची यहाँ गाड़ी वाले ने ना आगे सामने से ब्रेक लगा दी और ये गियर लेवल ना हल्का सा बेंड हो गया था ये सीधा कर दिया अभी रवि भाई ने और चेन ल्यूब कर ली हमने यहाँ पे अभी हैं हम भराड़ी घाट में और निकलेंगे फटाफट से यहाँ से आगे थैंक गॉड हर हर महादेव हर हर महादेव जय बजरंगबली भाई एकदम से ब्रेक मारी उसने आगे ना बिल्कुल मतलब मोड़ के ऊपर ना उसने ब्रेक लगा दी यहाँ देखो मेरा टायर बजा उसके पीछे बिल्कुल एकदम से अनबैलेंस हो गई थी बाइक थैंक गॉड पर लगी नहीं ना ही कुछ ऐसा डैमेज हुआ क्योंकि अभी तो भाई शुरुआत ही है जय शिव शिव तो रुक गए थे 2 मिनट के लिए और सिनोरा का भी थैंक्स यार ये बहुत केयर करती है मेरी और वादियाँ देख लो व्यू देख लो नज़ारे देख लो दिल की धड़कन ना थोड़ी बढ़ चुकी है बट इट्स टाइम टू मूव वंस अगेन गाइस तो टाइम हो रहे हैं गाइस 11 बज रहे हैं गाइस सुबह के और अभी हैं हम जो अपना धर्मशाला शिमला हाईवे है ना उसके ऊपर हैं अभी हम धर्मशाला वाली साइड नहीं जाएंगे हम कट जाएंगे मनाली वाली साइड आगे से बट इस रोड पे ना अच्छा खासा जाम मिलता है आपको क्योंकि ट्रक वगैरह काफ़ी रहते हैं इस रोड पे ये देख रहे हैं HRTC रन तो अभी भी अपना अच्छा खासा है भाई लोगों बट सुंदरनगर चल के ना लंच कम ब्रेकफास्ट ही हो गया क्योंकि हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट तो मैं करके ही निकला था तो वहाँ चल के एक अच्छा खासा वाला लंच भी कर लेंगे थोड़ी ब्रेक भी हो जाएगी देख रहे हैं ट्रक इस रोड पे तो ऐसा ही रहेगा भैया तो चलो फिर क्रॉस कर लिया जाए देख लो यहाँ से प्राशियर लेक है 109 किलोमीटर मंडी है 61 किलोमीटर रवि भैया अपने रवि भैया पूरे मजे ले रहे हैं राइड के भाई लोगों तो वीडियो ना यहाँ तक देख ली है वो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना क्योंकि अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है भाई लोगों Now finally we are at a Ghagas guys इस रोड पे ना भाई भले टाइम में बहुत रश होता था हैं रोटी आगे खाएंगे आगे अभी चलो रवि भाई को ना भूख लग पड़ी है और मुझे भी लग पड़ी है यार सच में भूख ये पूछ रहे रोटी खानी भैया खानी है रोटी तो पर यहाँ खाएंगे यहाँ ढाबा है एक एक्चुअली यहाँ से ना सीधे ही आगे सलापड़ था और सलापड़ से पहले ही लिंक कट जाता है ये चंडीगढ़ वाला बहुत बड़ा बोर्ड लग रखा है यहाँ पे
अगर आप इस शिमला से आ रहे हो या सोलन से आ रहे हो तो यही रूट आपको सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो उधर से थोड़ा लंबा है और यहाँ से पूरा 4 लेन मिलेगा अभी देखना आप। बट थोड़ा है ना कॉशनली ड्राइव करें, क्योंकि यहाँ पे इस हाईवे पे ना जो स्पीड लिमिट के बोर्ड है ना वो लग रखे हैं हर जगह यार। हरिओम हरिओम हरिओम, ये देखो जो डैम की बात कर रहा था ना, ये है वो डैम। यार फिशेस बहुत होती हैं भाई, भाखड़ा की फिशेस तो बहुत फेमस है वैसे भी। इधर को चल जाएंगे अगर आप तो चंडीगढ़, और इधर को जाएंगे तो मंडी। भाई साहब ये ट्रैवलर वाले ना सिरे के बदमाश होते, देख लो। ओ देखो 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 क्या कर रहा है भाई, अब अंदर भी एकदम से हो जाएगा, बाहर भी एकदम से हो जाएगा, या ये बाहर ही हो ले भाई या अंदर ही हो ले। ओवरटेक भी करनी है बट डर डर के। तो ये है जो कीर्तपुर वाला हाईवे है ना, जो शॉर्टकट है, देख लो वहाँ से 61 दिखा रहा था मंडी और यहाँ से 38, मतलब लगा लो हिसाब मोटा मोटा 20 किलोमीटर का फर्क है। यहाँ पे ना आपको अपने छोटे भाई बंधु हेलो कर रहे थे, हेलो भैया। स्पीड लिमिट होगी भैया यहाँ की 50, और रवि भैया को ना बहुत जोरों की भूख लगी है, और मुझे भी भैया जी। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे स्वागत ढाबा पे, और यहाँ पे होगा अपना लंच। यहाँ के राजमा ना बहुत सही हैं, अगर आप भी इस हाईवे पे आ रहे हो ना चंडीगढ़ मनाली वाले तो सुंदरनगर से पहले रुक जाना 7 किलोमीटर। और ये देख लो छोटा सा ही है बट पूरी घर वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे, चले। अरे मजे ले रहे हैं पूरे मजे। और भैया ठीक हो? ये देख लो भाई ये है बट यहाँ पे फीलिंग ना वो पूरी घर वाली आ जाएगी स्वागत। तो गाइस ये लग चुके हैं अपने पहाड़ी राजमा चावल, और रवि भाई ने तो गेड़ा भी दे दिया भाई, देखो आए पूरे मजे। ये देख रहे हैं स्वागत होम स्टे और स्वागत ढाबा। मैं एक बढ़िया सा लंच करने के बाद ना अब निकलने की तैयारी है भैया। बहुत मन था यार, काफ़ी टाइम पहले खाए थे यहाँ राजमा, और आज मौका मिल ही गया तो रवि भाई को भी खिला दिया। रवि भाई बोलते बहुत सही थे यार राजमा। मैं कहा भैया तभी तो आपको बोला वेट कर लो थोड़ा, क्योंकि भूख ना बहुत ज़ोरों की लग पड़ी थी। चलो फाइनली पेट पूजा डन, और सामने का व्यू देख रहे हो भाई, स्काई एकदम ब्लू है आगे का एकदम, और धूप ना बहुत अच्छी खासी है चिलचिलाती सी, और खाना खाने के बाद तो गर्मी वैसे भी ज़्यादा ही लगती है यार। ओहो ओ देखो व्यू वाह, और सुंदरनगर है यहाँ से, मैंने जैसे पहले भी बता दिया आपको 4 से 5 किलोमीटर, और मनाली है यहाँ से 150 किलोमीटर। तो ये देख लो सुंदरनगर की प्यारी सी सुंदर सी लेक है ना, सुंदर सी एकदम। मंडी आ गया मंडी। तो गाइस ये है मंडी का बस स्टैंड, और जो बाईपास बन रहा है ना भाई मंडी के लिए, नेर चौक से सीधा ही कट जाओगे आप, मंडी भी बाईपास हो जाएगा, बहुत सही है यार। देख रहे हैं आप
ये है जो मनाली का नया हाईवे बन रहा है ना, मतलब फोर लेन बन रहा है उसकी टनल, भाई क्या सही बना दी है, शॉर्टकट कर दिया मनाली। तो इधर ना आगे पूरा रोड का काम चल रखा है, आगे टनल के बाहर देख रहे हैं आप, वन वे कर रखा है। और ये अपने रवि भैया क्या बोले, सेट काम, शॉर्टकट हो गए रास्ता, शॉर्टकट, तीन टनल ले, तीन टनल ले आई बैक टू बैक। हाँ और टनल आएगी आगे। लो जी फाइनली अपनी टर्न आ गई है, छोड़ दिए गए हैं। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल कुल्लू के पास, और यहाँ पर रुके थे पेट्रोल पंप पे फ्यूल फिलिंग करवाने। तो अभी बढ़ेंगे मनाली, आई थिंक यहाँ से है 50-60 किलोमीटर के आसपास, बढ़ते हैं। फाइनली गाइस ये देख रहे हैं आप, अभी हम कुल्लू के बिल्कुल पास, कुल्लू यहाँ से है 20 किलोमीटर, और यहाँ पर हो रही है फ्यूल फिलिंग। इट्स टाइम टू जय शंकर। थोड़ा सा रुक के ना रवि भाई ने अपनी बाइक में पेट्रोल फिल करवाया, और मैंने खुद में पेट्रोल फिल कर लिया, मतलब पानी पी लिया यार अच्छा खासा। थोड़ी बाइक को भी रेस्ट मिल गई यार, काफ़ी देर से ना कंटिन्यू चले जा रहे थे। ये वॉकी टॉकी ना सही है, देखो इसमें रेड लाइट आ रही है। हेलो रवि भाई, हेलो, आवाज़ अब बोल नहीं रहे हैं, अभी आवाज़ आ रही थी उनकी, थोड़ा पता लग जाता है कि अपना बंदा है कहाँ पे। अच्छा ये अंदर वाला जो रोड गया, ये गया मणिकरण साहब, ये वाला लिंक यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत सही है कर दिया यार, ये है मणिकरण साहब। ये देख रहे हैं गाइस, ये है रायसन, मनाली का राफ्टिंग पॉइंट। ओ भैया जी आगे तो बहुत लंबिया जाम है लगा है ये तो। जय भोले शंकर भगवान की जय। भाई जो लोग उसमें अंदर है ना, देखो भाई चांद से रस्सियाँ खुल जाएं तो तबाही हो जाए, तो भाई पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। ये गैस वाला गुब्बारा है, बैलून में ना ये एयर भर रहे हैं, देखो वो जला रहे हैं धुआं, वो देखो आग। ओ भैया जी सामने देख रहे हैं एयर बैलून, क्या सही लग रहा था। मनाली से ना 7-8 किलोमीटर पहले आए, बट बहुत सही था यार, और काफ़ी अच्छी खासी हाइट तक ले गए भैया इसको, बहुत सही चीज़ थी ये, मज़ा आ गया देख के। और मैंने ना ये डाल ली क्योंकि ठंड लगना शुरू हो गई थी। ओ नहीं भैया हम तो HP वाले हैं, हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हम तो HP वाले हैं, अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो। इधर देखो भैया क्या सही लग रहा है, एक और बैलून, वाह। तो गाइस वी आर एट मनाली, ये अंदर वाला जो रोड है ये मनाली चला जाता है हिडिंबा टेंपल, बट अपन को जाना है सीधा आगे ले वाली साइड। और रश देख लो, मनाली में रश नहीं देखा तो कहाँ देखोगे भाई। ओए रे भाई ये मसल प्योर कोर पूरा मसल प्योर भैया। मनाली में ना आपको फॉरनर्स भी काफ़ी देखने को मिल जाते हैं भाई, और बाइकर तो पूछो ही मत यार, बाइकर क्या हर तरह के टूरिस्ट मिल जाते हैं आपको मनाली में।
ये देखो फॉरनर भैया, और वो भी अपने सनातन वेशभूषा में। और अपने रवि भाई ने फुल एंजॉय कर रहे हैं यार, बंदा ना बहुत धांसू है। दोस्तों अभी थे हम पलचान में, ये मनाली से आई थिंक 7-8 किलोमीटर पे है, और यहाँ पे SBI का ना ATM है, तो यहाँ से हमने कैश निकलवाया जो कि बहुत ज़रूरी है आगे, क्योंकि आगे नेटवर्क नहीं होगा भैया हमारे फ़ोनों में है। नाउ गाइस वी आर एट ए सोलांग वैली, और स्वागत है आप सबको अभी सोलांग वैली में हमारे साथ। ये देखो ये सारी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ ना यहाँ पे करवाई जाती हैं। ओ जेड़े ने तू बट्टा दस दी भाई, यहाँ जैसे ही मनाली के बाद सोलांग वैली में एंटर करे ना ऐसी फीलिंग आई ना जैसे फ्रिज का ढक्कन नहीं खोलते आप ऐसे करके, यस। और ऊपर टॉप पीक्स पे हल्की हल्की स्नो भी है। रवि भाई फाइनली वी आर एट अटल टनल, ये एक्चुअली रवि भाई को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अटल टनल की। लो जी फाइनली गाइस वी आर एट अटल टनल नाउ। लो रवि भाई खुश हैं, अब खुश हैं पूरे। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अटल टनल, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये देखो ये है अटल टनल का खूबसूरत सा नज़ारा भाई, बहुत सही यार मज़ा आ गया। और ठंड ना बहुत ज़्यादा है यहाँ यार, और ये है पीछे अपनी बाइक्स। इस अटल टनल को ना अच्छे से देखने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे केलोंग की तरफ। केलोंग आई थिंक केलोंग, हाँ, केलोंग आई थिंक है यहाँ से 30-35 किलोमीटर के आसपास, देखते हैं आगे वैसे कहाँ तक रहता है कहाँ तक नहीं, बट प्लान जो हमने कर रखा था ना वो है केलोंग तक। नाइट का तो व्यू ही एकदम बहुत ही सुंदर है, नाइट का व्यू। चलो चलो चलो, हाँ हाँ खत्म है, 10 किलोमीटर हो गए और क्या। एक्चुअली रवि भाई सोच रहे हैं कि अभी टनल ख़त्म, वो काफ़ी देर से ना बढ़िया अंदर एकदम गर्म थी टनल अंदर से। और ये तो नज़ारा ना यहाँ का तो अलग ही है लेवल का भाई, सिसु ले कारगिल हाईवे काजा इधर को असुमदो इधर को, और हम लेंगे अभी ले कारगिल हाईवे। ये लो जी जय शंकर की जय भोले बाबा की है।
यहाँ दुकानें हैं, सब लेंगे ना भाई। अपने पास सिर्फ चाकू है। तो ये सामने देख रहे हैं भाई साहब ताजा चिकन, क्योंकि अपने पास स्टोव सिलेंडर सब है भाई। चिकन है भाई, आधा किलो कर दो। ये सारे का सारा है सिसु, और अपना खाने पीने का सब जुगाड़ ले लिया हमने। फुल मस्ती फुल एंजॉय चलेगा भाई। स्टोव है छोटा सा, अपने पास पैन भी है भैया। चिकन मसाला मिल जाएगा, तांडी के लौंग 6 किलोमीटर, 6 6। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं मनाली ले हाईवे पे, तांडी पेट्रोल पंप पे। फुल भाई। तो गाइस पेट्रोल हो गया है फिल, क्योंकि इसके बाद सीधा पदू मिलेगा जाके हमें पेट्रोल। तो सुबह की तैयारी ना अभी कर ली है भाई। केलोंग में भी खुल गया पेट्रोल पंप अभी, तो सही है यार। अच्छा। तो फाइनली गाइस यहाँ केलोंग पहुँच चुके थे, और यहाँ राजगुंदा होटल है बिल्कुल रोड हेड पे, और ये रूम है भैया नाइस भैया। ठीक है भैया ये कर दो, 600 डन ना। या भैया थैंक यू। चलो ये ठीक किया आपने, यहीं कर दिया, साथ में सामान भी आ जाएगा एकदम।